अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर्स एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर 22 सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 और यूनिट नंबर 12 पे हम पहुंचे हैं। तो यूनिट नंबर 12 में हमने थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स पढ़े थे, क्यूब पढ़ा था, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, इन सब की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने इन्हीं के फार्मूलाज को देखना है कि क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, और फिर हम इनको इन फार्मूलाज में वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमने आज देखना है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू सरफेस, आपने सिर्फ जो मैं अभी आपको फार्मूलाज बताऊंगी यहाँ पे लिखूंगी, आपने उन्हीं फार्मूलाज को अच्छी तरह याद कर लेना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6x² मीटर स्क्वायर, यानी कि जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा वो किसके इक्वल होगा, 6x² m². अब इसमें जो x है वो क्या है, लेंथ ऑफ साइड, यानी कि क्यूब की हमें जो एक साइड की लेंथ दी गई होगी उसको हम यहाँ पे x की जगह पुट करके तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होगा 2 x y प्लस y z प्लस z x, साथ इसके यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए कि यहां पे जो हमें दी गई है x y z x, ये हमारे पास क्या है, x y z, ये हमारे पास और लेंथ ऑफ एज, यानी कि इसके जो किनारे हैं एज हैं उनकी हमारे पास लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हम एक्स वाई जेड की जगह वो वैल्यूज पुट करके तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेंगे। तो अब ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो अब हमने देखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में बता दूं कि वॉल्यूम होता क्या है। ऑल थ्री डायमेंशनल बॉडीज ऑक्युपाई स्पेस, दे हैव थ्री डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जो हमारे पास तमाम हमने थ्री डायमेंशनल बॉडीज होती हैं उसमें क्या होता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट होते हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वी कैलकुलेट एरिया ऑफ दीज बॉडीज इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब हम उनका एरिया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि जो स्पेस की जो अमाउंट है विच एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑक्युपाइज इन थ्री डायमेंशन, वो थ्री डायमेंशन उसने थ्री डायमेंशंस को कवर किया होता है, ढांपा होता है, इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो ये बच्चों वॉल्यूम की डेफिनेशन है, इसको आपने समझ लेना है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर को जब हम 3 times मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो सिमिलरली इफ लेंथ ऑफ एज इज 1 मीटर देन वॉल्यूम इक्वल टू, अगर आपके पास जो एज है उसकी लेंथ 1 मीटर है तो फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। ये आपने याद रखनी है कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, क्यूब। जिस तरह एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, तो इस तरह वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूब। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू xm मल्टीप्लाई xm, यानी कि xm मल्टीप्लाई xm मल्टीप्लाई xm इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास 1, 2, 3 एक्स है, तो x का क्या आ जाएगा, क्यूब, और मीटर भी 3 है तो वो भी क्या हो जाएगा, क्यूब। x का क्यूब, m का क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो
क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और साथ मीटर क्यूब आ जाएगा। इसका होल क्यूब प्लस आगे यूनिट, जो भी यूनिट होगा उसका भी क्या होगा? क्यूब। अब देखें कि क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो गया। आप यहाँ पे एक्स की जगह जो मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा है, इसमें आप लेंथ ऑफ एच का क्यूब भी लिख सकते हैं। इस एक्स का मतलब यही है कि लेंथ, लेंथ ऑफ एच, तो इसको हम लेंथ ऑफ एच का क्यूब भी लिख सकते हैं, साथ मीटर क्यूब या जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब होगा। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के फार्मूलाज को हमने डिस्कस कर लिया है। ये चारों फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से बच्चे याद करने हैं, इनको बार बार याद करना है, यानी कि इनको आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लेना है। जब आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो नीचे जो आपको एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है, वो आपने इन्हीं फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करनी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इन द फ्लाइंग टेबल। अब देखें कि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको लेंथ ऑफ एज दी गई हो तो आप सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फार्मूला आना चाहिए और फार्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होंगे। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, क्या है? 6x² m² यानी कि 6 x² आपके पास क्या है, यानी कि लेंथ ऑफ एज। तो लेंथ ऑफ एज आपको दी गई है 25 मीटर। तो क्या आ जाएगा इसका स्केयर, x का स्केयर है तो x की जगह हमने 25 मीटर लिखा, तो x के ऊपर स्केयर भी है तो इसके ऊपर स्केयर आएगा। तो अब हम हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 25 मीटर के ऊपर स्केयर है तो पहले हम 25 मीटर का क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, यानी कि 25 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। तो जब हमने 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 625 मीटर स्क्वायर। तो अब ये 6 भी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 625 के साथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3750 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसी तरह बच्चों जब आपको फार्मूलाज आते हैं, वैल्यू दी गई है तो उसमें वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई डिवाइड करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो इसी तरीके से आपने वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि लेंथ ऑफ एच का क्यूब, लेंथ ऑफ एच आपको दी गई है 25 मीटर, तो आप इसकी जगह यहाँ पे 25 मीटर क्यूब लिखेंगे, तो 25 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने इसी तरह नीचे क्यूबॉइड का भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, और ये दोनों एक्टिविटीज आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार इनको सॉल्व करना है। याद रखें हमेशा मैथ आता है प्रैक्टिस से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, यकीनन आपको अच्छी तरह फार्मूला समझ आ गए होंगे और आप इनको याद कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।